हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर, फुल कोर्स कंटेंट मतलब जो सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड किया है, सर सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ये नहीं दो तीन चैप्टर पढ़ा के गोटी। अरे नहीं भैया, पूरा होगा। जब तक पेपर नहीं तब तक पूरा होगा सर, तब तक। और आपके कहने पर मैंने थर्मोडायनामिक्स चालू कर दिया था। जी सर, कल एक शानदार सेशन का अंत किया था जिसमें अपन ने थर्मोडायनामिक्स टर्म्स पढ़े थे। ओपन क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम हो चुका था सर। आज उसके पार्ट टू की बारी है। जी हाँ, देखिए क्लास 11th केमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज पार्ट टू। कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है सर जिसपे आज बात करनी है? मैंने कहा जी हाँ करेंगे भाई, करेंगे, जम के करेंगे। बस आपको साथ में रहना है और काम करवाना है। मजा बिल्कुल आने वाला है, मजा बिल्कुल आने वाला है। चलिए तो करें चालू, जल्दी बोलो यार सर, कल देते हैं। तो ये लीजिए, शानदार सा लेक्चर होता है स्टार्ट। ये लीजिए फर्स्ट स्लाइड। ओके सर, आज बात होगी किस पे? देखो आज बात होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंसेंटिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैंने आपको कहा था ये प्रॉपर्टीज, जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था ना तब मैंने बताया था सर ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से। और आज बात करेंगे अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर अच्छी है सर, मजेदार है, कूल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है सर जी? कूल, कूल बोले तो कूल। क्या है सर जी? कूल। सर समझिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी है सर। कैसी प्रॉपर्टी है? मैंने कहा ऐसी प्रॉपर्टी है, कहोगे यार सर यार जल्दी बताओ यार, मजाक मस्ती मत करो, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। किस पे सर? क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, या साइज ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करती है, ऐसा भी लिख सकते हैं, और साइज ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करती है, ऐसा। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर और साइज ऑफ पार्टिकल, इन दोनों पर डिपेंड करती है, उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अच्छा सर, पक्की बात है? हाँ, मतलब आपने अगर कहीं पर एक किलो शक्कर ली है, शक्कर मतलब समझ गया ना, शुगर, एक किलो शुगर ली है, तो भैया अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब शुगर पे डिपेंड करेगी कौन? अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एक किलो जो है, एक किलो शुगर मतलब क्या हो गया सर? एक किलो शुगर मतलब क्या हो गया सर? मतलब आप वेट की बात कर रहे हो, है ना? एक किलो मतलब क्या हुआ? वेट हुआ ना। तो वेट जो होता है सर, सर वो डिपेंड करता है, वो मास पे डिपेंड करता है। क्यों नहीं करता? अगर दो किलो शुगर होगी तो भैया वेट बढ़ जाएगा, और वेट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सर वेट किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है भैया? शुगर की क्वांटिटी ऑफ मैटर और साइज ऑफ पार्टिकल पे। इसलिए वेट क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ भैया, मैं, आप सब लोग क्या हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? वजन है। मैं 50 किलो, आप 25 किलो, कोई 70 किलो, कोई 100 किलो, कोई 150 किलो, कोई 200 किलो, तो ये सब क्या है? वेट है। और वेट भैया साइज पे डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ मास पे डिपेंड कर रहा है, और भैया इसीलिए वो कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। क्या है सर? सॉरी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है सर वो? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब एक बार पढ़ो, द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर और डिपेंड्स अपॉन द मैटर ऑफ साइज ऑफ सिस्टम इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे सर जी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया कौन कौन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सर। सबसे पहले तो वेट, वेट मास पे डिपेंड करता है सर। फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सर, काइनेटिक एनर्जी में बात करूं तो क्या होता है? हाफ एमवी स्क्वायर, तो ये भी मास पे डिपेंड करता है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? आप सब जानते हो एम जी एच सर, ये भी मास पे डिपेंड करता है, तो ये भी एक्सटेंसिव हुआ। उसके बाद वॉल्यूम
सर सीधी सी बात है, अगर कहीं पर 200 किलो का आदमी है और कहीं पर 25 किलो का आदमी है, 200 वाला ज्यादा जगह घेरेगा, मतलब 200 किलो वाले का वॉल्यूम ज्यादा होगा, 25 किलो वाले का वॉल्यूम कम होगा। और भैया अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो भैया सीधी सी बात है वॉल्यूम भी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, इसीलिए उसको भी अपन क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो चारों प्रॉपर्टी इसके अंदर आ रही है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर ये चारों चीजें आ गई है। क्या हो गया सर, चारों चीजें इसके अंदर आ गई है, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत, कोई दर्द नहीं ना। चलो उसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट, फिर थोड़ी और बातें करनी है, फिर थोड़ी और बातें करनी है, मजेदार बातें करनी है, खूबसूरत बातें करनी है भैया। चलो जल्दी 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 करेंगे, जल्दी करेंगे जल्दी। चलो चलो अब समझो, पहली फर्स्ट एंथैल्पी, सेकेंड एंट्रोपी, थर्ड इंटरनल एनर्जी, फोर्थ गैस फ्री एनर्जी। सर मैंने आपको कहा था ये चैप्टर का एक तरीके से मैं बोलूं ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन चारों को आप कुछ नहीं कर सकते, ये चैप्टर के चारों नए पॉइंट्स हैं और चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन चारों को पढ़ना है। मैंने आपको ओवरव्यू में भी बताया था भैया इन चारों से पंगा मत लेना, इनको लगा डाला तो आपका चैप्टर वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और ये चारों के चारों जो चारों फोर इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ, टर्म्स नहीं है, खुद में एक बहुत बड़ी चीजें हैं लेकिन फिर भी टर्म्स लिखा है, थर्मोडायनामिक्स। और चारों के चारों कौन सी प्रॉपर्टी है पता है आपको, चारों के चारों कौन सी प्रॉपर्टी है पता है आपको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सर याद रखना बहुत आसान है, इन सबको तो याद रखना बहुत ईजी है, और याद रखना जो चारों इस चैप्टर की जान है वो चारों के चारों क्या होते हैं सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, वो चारों के चारों क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये, कैसी है, इंपॉर्टेंट बात है सर। सर ये मैं बोल रहा हूं ना ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्योंकि आपको पेपर में पता है क्या करता है, एमसीक्यू बनाता है पेपर में क्या, अरे भाई कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार नीट में क्वेश्चन आ गया, ये कई बार ये क्वेश्चन नीट में आ गया है, क्या आ गया है सर, इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा एक्सटेंसिव है कौन सा इंटेंसिव है, बच्चा ब्लैंक, सर कहां से एग्जांपल याद रखेगा इतने सारे। तो मैंने क्या बोला, सब में मास आ रहा है भैया, इसलिए सारे के सारे मास पे डिपेंड करते हैं, इसलिए एक्सटेंसिव। दूसरी बात, ये चारों स्तंभ को याद रख लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है याद रखो, चार वंडर्स हैं ये, चार वंडर्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं ये, चार वंडर्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है याद रख लेंगे, चार वंडर्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलो जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे भैया, जल्दी आ जाओ आ जाओ। चलो देखें एक बार एग्जांपल में, वेट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम देखो, फिर मोल, मोल भी आप जानते ही हो सर, मोल होता क्या है, मोल के बारे में भी जानते हो भैया, मोल तो और अच्छी चीज है भैया, मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलार मास। तो भैया फिर गिवन वेट नहीं आ गया, फिर से गिवन वेट नहीं आ गया, जब गिवन वेट आ गया तो फिर से वेट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मोल भी हो गया। फिर एंथैल्पी एच से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी एस से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं, और भैया गैस फ्री एनर्जी जी से, और साथ ही साथ हीट कैपेसिटी, इस पर भी अपन बात करेंगे। तो सर ये टर्म्स याद रखने हैं,
बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो जल्दी करो सर, हर एक चीज जो इस पेज में लिखी है वो काम की, और वो काम की बहुत ज्यादा है भैया, याद रखना है, याद रखना है, बहुत जरूरी याद रखना है। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 करो, अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। चलो चलो चलो, इनको नहीं भूलेगा कोई, मैं बार बार आपको हिंट कर रहा हूं सर, बार बार हिंट कर रहा हूं, डेफिनेशन से पहले ये पूछ लेता है वो। एग्जाम्पल आपके पेपर में आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक से फॉर्म में, क्योंकि आप जानते हो 18 एमसीक्यूज आपको आते हैं। कितने आते हैं? 18 सर, और थ्रा है ना। एक बच्चा मुझसे बोलता है ऑफलाइन में, कहता सर अपने मैं कितने एमसीक्यू आते हैं, मैंने कहा 18, कहता नहीं सर हमारी टीचर ने तो 25 बताया था, मैंने कहा क्या बोल रहा है, कि तो 25 बताया था, मैंने कहा क्या बोल रहा है, तो 25 बंगाली था थोड़ा सा, तो कहता 25 बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से, तो मैं वही सोचा था 18 को क्या बोलते, लेकिन मेरे को पता नहीं था, नहीं तो मैं वैसे ही बोलता आपके सामने। चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाले एमसीक्यूज आपको पता होना है, सॉरी एमसीक्यू नहीं, ये वाले एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए था, और ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो मैंने सारी चीज हटा दिया, अब आप आसानी से ले सकते हो कि आप इसको नोट डाउन कर सको। जल्दी फिर आते हैं अपन आपकी दूसरी प्रॉपर्टी पे, दूसरी धमाके डाल कमा के डाल कौन सी प्रॉपर्टी है उस पर बात करने वाले। चलो जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी, हो गया, हो गया क्या नहीं हुआ, हो गया सर, हो गया। चलो चलो चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए सर, हाँ हाँ हाँ, क्या है सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्या है सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये बात याद रखिएगा। अच्छा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है सर, जो एक्सटेंसिव था ना उसी का उल्टा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है एक्सटेंसिव का उल्टा है। अच्छा याद रखने का तरीका देखो सर, आगे इन लिखा है ना, तो इनसे ऐसा लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पता है क्या कंफ्यूज होता है सर, एक्सटेंसिव डिपेंड करता है कि इंटेंसिव डिपेंड करता है, तो आगे इन लग जाए ना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर और साइज ऑफ मैटर, इंडिपेंडेंट मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि सर क्या क्वांटिटी ऑफ मैटर आपने लिया है और क्या साइज ऑफ मैटर आपने लिया हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी इससे फर्क नहीं पड़ता, यह बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, आर दोज प्रॉपर्टीज विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर और साइज ऑफ मैटर। एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, बहुत बढ़िया लाइन है सर, देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ मास और क्वांटिटी ऑफ मैटर द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मास, ऐसी प्रॉपर्टी जो भैया ना तो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, ना साइज ऑफ मैटर पे, और ना तो मास ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है भैया, उनको कहते हैं इंटेंसिव, एक्सटेंसिव डिपेंड करती थी। दोनों करण अर्जुन है, दोनों करण अर्जुन है, बस इतना याद रखिएगा, बस याद रख लो भैया, एक डिपेंड करता है एक डिपेंड नहीं करता है। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं, एग्जांपल देता हूं, देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आ जाओ सर, पहला एग्जांपल इसका मेल्टिंग पॉइंट। सर कैसे बताओगे सर मेल्टिंग पॉइंट को, थोड़ा समझा दोगे तो हमें मजा सा जाएगा, हमें मजा सा जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है चलो समझा देते भाई, समझाने में तो बहुत मजा आता हमको। मान लो सर ये नमक ले लिया अपन ने NaCl, चलो ठीक है सर, ओके ओके NaCl ले लिया अपन ने, 1 किलो भाई, क्या ले लिया, 1 किलो ले लिया। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट बता देते हैं सर, अप्रोक्स मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट दे दिया मैंने 1500 केल्विन, मतलब 1500 केल्विन पे ये नमक पूरा 1 किलो पिघल जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है सर, और कुछ, तो इनने कहा एक और ले आते नमक दूसरा, थोड़ा कम पड़ गया, दूसरी दुकान से और ले आए, कितना ले आए देखो, मैंने कितना लाया भाई, कितना लाया भाई, इस बार उसने बोला
भैया ज्यादा नहीं मिला, 250 ग्राम लाया हूं। मतलब पहला वाला 1 किलो था नमक, उसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 था, दूसरा वाला नमक कितना है 250 ग्राम, भैया इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, कम हो गया होगा ना, 1/4 हो गया होगा ना, है ना, 1/4 हो गया होगा ना, ऐसा मारूंगा ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कितना होगा 1500 केल्विन। नमक कम होने से क्या फर्क पड़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट तो मेल्टिंग पॉइंट है भैया, क्योंकि जो बॉन्ड यहां तोड़ने वही बॉन्ड तो यहां तोड़ने। तो सर देखिए ऊपर वाले में मास कितना था 1 किलो, ऊपर वाले में मास कितना था सर जी 1 किलो, नीचे वाले में मास कितना था 250 ग्राम, मास चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्या उससे मेल्टिंग पॉइंट पे कोई फर्क आया, नहीं सर, ये भी 1500 था, ये भी 1500 था, तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी है सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन वेट या फिर मास। जो ये नहीं समझती 1 किलो हो, 50 ग्राम हो, 300 ग्राम हो, जो भी हो, मैं तो भैया जो दिखाएगा तो दिखाएगा, जिसमें दम है तो रोक ले जिसमें दम है तो रोक ले, झुकेगा नहीं, ऐसा वाली बात कर रहा है ये, ठीक है, तो समझे। अगला देखो बॉइलिंग पॉइंट भी, ये भी समझाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर समझाते हैं, जल्दी जल्दी हो गया, हो गया, चलो देखो बॉइलिंग पॉइंट देखो, मान लो आपके पास एक बीकर था, ठीक है, उस बीकर में पानी रख देते, जल, जल ही जीवन है, आप लोग जानते तो, है ना, जल ही जीवन है, चलो चलो चलो, जल ही क्या है, जीवन है। मान लो इधर पे जो जल था वो था भैया 1 लीटर, कितना था 1 लीटर, तो भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा सर, दुनिया इस चीज की गवाह है कि भैया इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमने कहा अच्छी बात है, हमने कहा अच्छी बात है, हमने कहा हमने भी कुछ नहीं बोला, दूसरा पानी ले आओ, दूसरा पानी ले आओ भैया, ये बिस्लरी का पानी ले आए, कितना पानी है ये भैया, इनने बोला भैया ये जो है ये है अपना 0.25 लीटर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। मैंने कहा भैया आपने पानी को 1/4 किया तो ये भी 1/4 हो जाएगा ना, मैंने कहा ऐसा मारूंगा ना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है ना, कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, देखिए ना भैया इधर कितना लिया था 1 लीटर, इधर कितना लिया था 250 ml, भैया पानी में चेंज आया कि नहीं, पानी के मास में चेंज आया कि नहीं आया, आ गया, और पानी के मास में चेंज अगर आ गया तो भैया बॉइलिंग पॉइंट में चेंज भी आएगा क्या, नहीं आएगा भैया, पानी बोलता है पूरी की पूरी नदी को बॉइल करा दो, पूरी की पूरी तालाब को बॉइल करा दो, पूरे के पूरे किसी को भी बॉइल करा दो, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा भाई, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट फर्क नहीं पड़ता, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 5 लीटर है, 10 लीटर है, वो कहता है मैं तो फिक्स होना, मैं तो फिक्स होना। तो वही वाली बात हुई सर, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, डिपेंड नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, क्वांटिटी ऑफ मैटर से इंडिपेंडेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा 1 लीटर 250 लीटर कोई फर्क नहीं है, जो है सामने है सटीक है, बढ़िया है, खूबसूरत है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो सर, वो बनाते चलो बगल में कभी दिक्कत नहीं आएगी, वो बनाते चलोगे तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, टेरेन टेरेन सर, अब देखो आप किसकी बारी सर, टेम्परेचर की सर, टेम्परेचर क्या कह रहा है। अरे यार जैसे मान लो एक ये मेरा रूम है, ये स्टूडियो वाला रूम है मेरा, ठीक है, मान लो, मान लो यार ये मेरा यहां पर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहां मैं पढ़ा रहा हूं, अपने आप को बना दूं, ये मेरा कैमरा लगा हुआ है बढ़िया तरीके से, यहां मेरा कैमरामैन भी बैठेगा, ये बढ़िया मेरा कैमरामैन, ठीक है, हम दो लोग हैं, इधर पे भी टेम्परेचर कुछ होगा, मान लो इधर पे टेम्परेचर है भैया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अब बाहर में हॉल में गया, कहाँ गया मैं, यह हॉल है, जस्ट मेरे गेट से निकलोगे ना तो बाहर एक हॉल है, और उसमें क्या बड़ी टेबल लगी हुई है, बहुत बड़ी टेबल है, यहां पे भी एक टेबल है, अब यहां पर क्या है कई सारे लोग बैठे हैं, देखो
ये देखो यहां पे भी एक दो लोग बैठे हैं, ये एक दो लोग यहां पर बैठे हुए घूम रहे हैं, बातचीत होती रहती है ना, ये ऐसे। तो अब अगर आप देख रहे हैं तो सर इस रूम में भी काफी सारे लोग हैं, लेकिन मैंने इसका जब टेम्परेचर देखा तो सर रूम टेम्परेचर तो सेम ही है, कोई एसी वेसी नहीं चल रहा, कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर दो लोग का मास था, इधर कितने लोग का मास है, 3, 6, 8 और 10। सर 10 लोग का मास ज्यादा होगा, 5 गुना मास ज्यादा है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर कितना है, सेम। तो भैया टेम्परेचर भी मास पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए देखिए टेम्परेचर। बात समझे, बात समझे सर हर एक, इसलिए आपको इतना समझा रहा हूं कि आपको एग्जाम्पल याद रहे, क्योंकि अगर एग्जाम्पल याद नहीं रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर, दुख दर्द सब कुछ हो जाएगा सर, जो मेरे को पसंद नहीं आएगा। चलो क्लियर करूं, अगला देखो। शहद जानते हो क्या नहीं, शहद जानते हो क्या नहीं, ब्राउन कलर कुछ होता है ना शहद का, हाँ हनी, ये हनी की बोतल में मान लो 250 ml हनी था, ठीक है। अब यहां से इसको हनी को लटका रहे हैं, मतलब टपका रहे हैं, तो ये ऐसे गिर रही होगी, हनी तो ऐसे गिरती है ना भाई, हनी मतलब जो होता है वो आप देखते हो कि बहुत वैसा विस्कस फ्लूइड होता है, तो विस्कोसिटी के चलते गिरता है। अब मैंने कहा इसी के जगह मैंने आपका ये जो कंटेनर था उसको बड़ा कर दिया, कंटेनर को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, ये देखो ये कंटेनर बड़ा कर दिया, और इसमें पता है कितना ml हनी है, अब इसमें 1000 ml हनी है, मतलब 1 लीटर। तो सर इसकी जो विस्कोसिटी होगी, जिस तेजी से ये गिर रहा होगा सर, वो दोनों होगी सेम, सेम सर सेम। जो विस्कोसिटी इसके गिरने की होगी, जो भैया गाढ़ापन इसका होगा, वही गाढ़ापन इसका होगा। सर चीजें का मास बढ़ने से विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए विस्कोसिटी भी कौन सी प्रॉपर्टी है भैया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा सर, सेम 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 सेम। चलो भैया जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी 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 नोट डाउन करो पहले, इतना कर लिया, कर लिया। अब समझो सर ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ग्लास का होता है, आप जानते हो, एक बहुत बड़ा सा ग्लास ले लूंगा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और एक छोटा सा ग्लास ले लूंगा उसका भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है, मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर आगे देखिए, सरफेस टेंशन कोई फर्क नहीं पड़ता, सर पानी तालाब भर के ले लो या पानी एक बकेट में ले लो, दोनों में सरफेस टेंशन कैसा होगा, बराबर होगा सर। लेकिन अब बात आती है सर जी डेंसिटी, ओ हो ला 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 ला, क्योंकि सर डेंसिटी होता क्या है, अब मेरे को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, क्यों सर क्यों, क्यों सर क्यों, आप देखो सर अब आ रहा है इसमें क्या आ रहा है, अभी तक जो प्रॉपर्टी हो गई जिन पे मैंने येलो निशान लगा लिया वो सारी प्रॉपर्टी आसान थी, आसानी से बता दी, लेकिन अब जो आ रहा है उसका तो अलग ही रोल है। अब आ रही है डेंसिटी, सर डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या नहीं, और सर आप जानते हो मास भी, मास भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या नहीं है भैया, मास भी वेट वगैरह पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी, पीछे देखा था ना, पीछे था ना, मास वॉल्यूम दोनों उसके अंदर आते हैं, देखो ये देखो, वेट और अपना वॉल्यूम दोनों उसके अंदर आते हैं। सर जब दोनों उनके अंदर आते हैं तो डेंसिटी भी क्या होनी चाहिए थी, डेंसिटी भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, बड़ी दिक्कत हो गई सर। कंसंट्रेशन, और अगर आपको अभी याद हो तो कंसंट्रेशन मोल वहीं रखा हुआ है, तो कंसंट्रेशन भी तो भैया मास पे डिपेंड करेगा, जिसमें ज्यादा घोलोगे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसमें नहीं घोलोगे उसका भी कम है, तो ये भी क्या होनी चाहिए थी, एक्सटेंसिव होनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो
हमारे हिसाब से तो भैया वो मास पे डिपेंड करी, एक्सटेंसिव होनी चाहिए थी। अब दूसरी देखो, पीछे चलो सर, हीट कैपेसिटी। क्या सर? हीट कैपेसिटी, एक मिनट रुकना, एक गलती है बस यहां। हाँ, क्या है सर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमने अभी पीछे देखा हीट कैपेसिटी तो एक्सटेंसिव है, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी तो एक्सटेंसिव होना चाहिए सर, ये भी तो होना चाहिए। चलो पीएच तो नॉर्मल इसी का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर हीट कैपेसिटी आपने अभी पीछे देखा, जब एक्सटेंसिव है तो वो भी तो, ये मोलर हीट कैपेसिटी भी तो एक्सटेंसिव होना चाहिए। सर ये जो चार नाम मैंने लिखे इन पे बड़ा डाउट है, ये चारों को आपने यहां कैसे रख दिया? कौन कौन सर? सर नाम बताइए सर। डाउटफुल कंडीशन, डाउटफुल प्रॉपर्टीज। सर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये टॉपिक लगता बहुत इजी है, आप लोग के स्कूल में बस कुछ नहीं करते, डेफिनेशन पढ़ा देते और आगे चलो, अगर ढंग से पढ़ने जाओ तो सर ये टाइम लेती है, ये टाइम लेती है। पहली क्या है सर? सर डेंसिटी। फिर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। आज मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आपके स्कूल में नहीं बताई गई होगी। थर्ड क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी वैसे ये आपको टर्म्स पता नहीं है क्या होते हैं, ये चैप्टर के आगे पता चलेंगे। फोर्थ क्या है सर? मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी। सर मैंने आपको कहा था ये वो टॉपिक है जो फेवरेट है, किसमें? नीट में भी और जेई में भी। और आपको पता है यही चारों को, और भी दो चार प्रॉपर्टी अभी आगे पता चलेगी, जो वो लोग बनाते हैं दिमाग से और डाल देते हैं किसमें? नीट में और जेई मेंस में। मैंने क्या कहा था, जो यहां से ढंग से देखेगा उसका भैया 90% काम यहीं से हो जाएगा, बोर्ड के लेवल पे, बोर्ड के लेवल पढ़ते ही पढ़ते उसका काम हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें, क्योंकि सर ये सब तो हमारी एक्सटेंसिव दिख रही है, फिर आपने इनको इंटेंसिव में क्यों रखा? डाउट है भाई, डाउट है, डाउट है भाई, डाउट है। उस डाउट को क्लियर कौन करेगा? उस डाउट को क्लियर कौन करेगा सर? कौन क्लियर करेगा? बहुत डाउट दिख रहा है, बहुत ज्यादा डाउट है। हमने कहा ठीक है कर देंगे क्लियर, अभी देखते तो है। पहले बताओ डेफिनेशन क्लियर है? ऊपर जिस पे मैं आपको टिक भी लगा देता हूं, कौन कौन से ठीक हैं, कौन कौन से ठीक हैं। मैं पूरा मिटा देता हूं, देखो जो मैं मिटाऊंगा ना बस वो ध्यान रखना। ये जो मैंने मिटाया हुआ है ये अभी आपको लिखना है पूरा, जल्दी मिटाया हुआ वाला सही है ये, वैसे तो सारी प्रॉपर्टी सही है, कुछ गलत नहीं लिखा मैंने यहां पे, अगर आप सब लिख दोगे तो भी, लेकिन अभी ये डाउटफुल है, इनको क्लियर तो करवाना पड़ेगा सर, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे आपसे। जब तक आप क्लियर नहीं करवाओगे ना हम बात नहीं करने वाले आपसे बिल्कुल। चलो जल्दी एक बार पूरा नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी। चलिए सर कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़ते बढ़ते भैया आगे बढ़ने वाले हैं, मजा आएगा मजा आएगा। डेंसिटी, कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलार हीट कैपेसिटी। कैसे बोल दिया आपने कि ये सब कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव, क्योंकि भैया इन सब का नाम तो आपने एक्सटेंसिव में लिखवाया था। मैंने कहा अब देखो सर, अब जो आने जा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, उसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलो सर चलो चलो ना, तो डरते थोड़ी हैं, आ जाओ। ये लीजिए सर कैरेक्टरिस्टिक्स। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर बोलूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर ये सब जगह नहीं बताया जाता, मैं आपको बता रहा हूं, काम की चीज है सर ये, और अगर बताया जाता है तो याद नहीं रखा जाता, लेकिन सर ये बहुत काम की चीज है। लेट सपोज मानिए, इधर पे आइए, इधर पे देखिएगा, इधर देखिएगा मेरा, ठीक है। अगर ए ए कोई भी एक प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, मान लो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है?
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद मान लो एक है बी, ये आपकी बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास दो हैं और दोनों की दोनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो सर जब आप इनका रेशियो निकालोगे, किसका, ए डिवाइडेड बाय बी, रेशियो ऑफ ए एंड बी, और अगर ये दोनों की दोनों एक्सटेंसिव है तो सर ये हो जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हो जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या हो जाएगी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सर इसको याद रखना है, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। एग्जांपल देता हूं, डेंसिटी, डेंसिटी क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम। अब एक बात बताओ मेरे को, खूबसूरत बात बताना, सर जी मास क्या है, मास क्या है, सर मास जो था वो एक्सटेंसिव था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, और सर सर वॉल्यूम क्या था, हाँ ये भी एक्सटेंसिव था, चिल्ला क्यों रहे हो सर, मैंने कहा ठीक है, तो एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव, डेंसिटी को कहां देखा था, हाँ सर इंटेंसिव में ही तो देखा था, जी बिल्कुल। तो अगर आपके फॉर्मूले में ऐसी दो प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों कैसी हैं, एक्सटेंसिव, तो उनका सम हमेशा इंटेंसिव आएगा, उनका सम हमेशा इंटेंसिव आएगा, सर यह बात याद रखिए, यह बात याद रखिए। आपने अभी कॉन्सेंट्रेशन भी लिया था, देखो जरा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन है ना, अब मोलैरिटी को कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही लिखोगे कि नहीं, अब एक बार आप पीछे जाके चेक कर लेना, भैया मोल्स भी आपकी एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी आपकी क्या है, एक्सटेंसिव है, और दो एक्सटेंसिव का अगर रेशियो निकालोगे तो जो रिजल्टेंट है मोलैरिटी, जिसको अपन कंसंट्रेशन भी बोलेंगे, वो क्या आएगी सर, इंटेंसिव आएगी, क्या आएगी सर जी, इंटेंसिव आएगी। तो ये रीजन होता है व्हाई डेंसिटी एंड कंसंट्रेशन आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, बिकॉज उनके अंदर जो दो प्रॉपर्टी पाई जाती है, दो फॉर्मुलेज में रेशियो पाए जाते हैं, वो दोनों एक्सटेंसिव होते हैं, और दो एक्सटेंसिव को जब डिवाइड लगाते हो तो बन के आता है इंटेंसिव, क्या बन के आता है, इंटेंसिव, क्या बन के आता है, इंटेंसिव। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी। अब देखो यहां भी देख लेते हैं एक बार, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा, फिर मैं इसको बताऊंगा, बढ़िया, जल्दी 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 करो, जल्दी। हो गया, चलो अब देखो इसको हटाना है, चलो अब ध्यान से देखना, देखो ए को क्या माना है, इन्हें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बी को क्या मारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आगे देखो ए और बी, और या फिर उनका चेंज में निकालो, डी ए बी डी बी, ये क्या आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा, क्या आएगा सर, इंटेंसिव। देखिए एग्जांपल, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सर रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज एन, is always an intensive property, क्या कहलाएगा, intensive property। example, 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 molarity, molarity क्या होता है, number of moles divided by volume, number of moles divided by volume, आप जानते हो ये भी extensive, ये भी extensive, और दोनों का डिवाइड लगाने से मोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव, और भैया इन दोनों का डिवाइड लगाने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये जो आएगी ये भी हो जाएगी इंटेंसिव। अब समझे क्यों होती है, तो सर दो तो विकेट गिर गए,
दो विकेट तो गिर गए कि सर वाई डेंसिटी एंड कंसंट्रेशन आर इंटेंसिव। ये बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। इस पेज को तो अच्छे से लिखेंगे, इस पेज को तो अच्छे से लिखेंगे सर, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करिएगा प्लीज 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 सर, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं आपको कह रहा हूं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, फिर मैं आपको आगे का बताता हूं। सर अभी आपने लेकिन ये नहीं बताया, आपने दो तीन टर्म्स और पीछे यूज करे थे, पहले इसको कर लो फिर बताता हूं। तो मतलब सर जी डेंसिटी समझ में आ गया, क्यों डेंसिटी इंटेंसिव है, ठीक है। कंसंट्रेशन समझ में आ गया, क्यों कंसंट्रेशन इंसेंटिव है, दोनों के दोनों कौन सी प्रॉपर्टी है भैया, इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है सर जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, चाहे वो डेंसिटी हो चाहे वो कंसंट्रेशन हो। जल्दी देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी करो भैया, जल्दी करो, जल्दी जल्दी हो गया, चलो ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, एक बार ऐसे में ले लो, ठीक है। चलो अब देखो सर, सर अभी आपने पीछे लेकिन इसका तो नहीं बताया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलार हीट कैपेसिटी। मैंने कहा आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं सबके पास, आ रहा हूं, टेंशन बिल्कुल मत लो, कुछ नहीं छोड़ूंगा, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। सर एक और बहुत काम की चीज, सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, सर लिखते चलिएगा इन पॉइंट्स को, अगर आपने अच्छे से कर लिए आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सर, अगर दुनिया की कोई भी मान लो ए प्रॉपर्टी, बी प्रॉपर्टी, सी प्रॉपर्टी, डी प्रॉपर्टी, अगर ये चारों प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव हैं, क्या है सर, एक्सटेंसिव हैं, क्या है सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक एग्जांपल लेके चलता हूं, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हां सर ये तो हम भी बोल रहे थे लेकिन इंटेंसिटी में भी आ गया। मैंने कहा दो मिनट रुक जाओ, अगर दुनिया की कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो लेकिन अगर उसको आपने पर यूनिट मास में बताया, या आपने उसको पर यूनिट मोल्स में बताया, या फिर आपने उसको पर यूनिट वॉल्यूम में बताया, तो सर क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी अपने आप इंटेंसिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, इंटेंसिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी सर, ऐसा क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा समझो सर, कुछ हुआ नहीं है, बढ़िया चीज है। देखो ये प्रॉपर्टी, जैसे लेट सपोज हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी अगर आपने उसको पर यूनिट मास में बताया, मतलब पर यूनिट मास का मतलब मास से डिवाइड कर दिया ना, मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आप समझो हीट कैपेसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, मास कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। सर फिर से आपने वही वाला फॉर्मूला लगा लिया जो अभी पीछे पड़ा, दो एक्सटेंसिव का अगर डिवाइड लगाते हैं तो अब जो प्रॉपर्टी बन के आएगी, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास या मोलार हीट कैपेसिटी या फिर मास हीट कैपेसिटी, वो हो जाएगी इंटेंसिव। क्या हो जाएगी, इंटेंसिव, क्योंकि वही फॉर्मूला लग गया, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। मान लो मास ना हो गया, आपने पर यूनिट मोल्स में ले लिया, तो नीचे क्या जाएगा, नीचे क्या आ गया, मोल्स आ गया, क्या आ गया सर, मोल्स। मोल्स की अगर बात करें तो भैया वो भी एक्सटेंसिव, और दो एक्सटेंसिव का फिर से डिवाइड लगा देंगे, क्या हो जाएगा भैया, इंटेंसिव। फिर देखिए अगर मैंने नीचे वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम क्या था सर, वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, तो दो एक्सटेंसिव का डिवाइड फिर से क्या जाएगा, इंटेंसिव। आप तो ये याद रखो, कोई भी एक्स वाई जेड अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है लेकिन अगर उसको रिप्रेजेंट करा किससे, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल्स, पर यूनिट वॉल्यूम, इट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसलिए अब देखिए सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, पता है आपको,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों पता है आपको? क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। हीट कैपेसिटी कौन सी थी? एक्सटेंसिव। पर यूनिट मास जैसे ही लगता है वो काय में तब्दील हो जाएगी? इंटेंसिव में। अब देखो मोलार हीट कैपेसिटी ये कैसे हो गया? सर हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, तो हीट कैपेसिटी कैसी थी सर? एक्सटेंसिव। साथ में क्या लगा? पर यूनिट मोल। जैसे ही मोल लगा सर काय में तब्दील हो गई? इंटेंसिव में। सर आप बस दो पॉइंट याद रख लो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवीजन इंटेंसिव होगा, या कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपने उसको पढ़ाया पर यूनिट मास में, पर यूनिट मोल्स में, पर यूनिट वॉल्यूम में, तो वो तब्दील हो जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे। बस सर ये दो पॉइंट अगर आप याद रख गए आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई आपको टच नहीं कर पाएगा, इतनी गारंटी मैं देता है आपको, कोई भी नहीं, गारंटी है। चलिए जल्दी देख लीजिए फटाफट, फटाफट जल्दी देख लीजिए, जल्दी 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 जल्दी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 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 भाई चलो जल्दी चलो। हो गया हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर करूं? चलो एक बार चाहो तो इसका ले लो, फिर अभी एक और बचा, एक पॉइंट और बचा, फिर खत्म करेंगे। जल्दी 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 एक पॉइंट और बताए फिर उसको खत्म करेंगे। आ जाओ ये देखिए सर, ये क्या है सर, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा देखो ना, इंथैल्पी एंट्रोपी गैस फ्री एनर्जी। सर ये एनर्जी यहां कैसे पहुंच गया? ये एनर्जी इधर आएगा। हाँ हाँ ये एंथैल्पी एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी। सर ये चारों स्तंभ में से तीन स्तंभ है, चारों मेरी मजबूती में से तीन मजबूती है, और मैंने कहा था तीनों की तीनों क्या होती हैं? एक्सटेंसिव। तीनों की तीनों क्या होती है? एक्सटेंसिव। लेकिन अगर अगर इनको काय में एक्सप्रेस किया जाए, काय में एक्सप्रेस किया जाए पर यूनिट मास, पर यूनिट मोल्स, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम, तो सर ये तब्दील हो जाएंगे काय में? इंटेंसिव में। देखो ना सर, मोलार इंथैल्पी, मोलार वर्ड मतलब पर यूनिट मोल्स में ले गया, और जैसे ही पर यूनिट मोल्स में एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा वो बन जाएगी इंटेंसिव, वो बन जाएगी इंटेंसिव। देखिए मोलार एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी पर यूनिट मोल्स, तो कहलाएगी मोलार एंट्रोपी, वो भी बन जाएगी भैया इंटेंसिव। और गिव्स फ्री एनर्जी, मोलार मतलब गिव्स फ्री एनर्जी पर यूनिट मोल्स, इसको भी क्या कहेंगे? इंटेंसिव। ये एनर्जी नहीं आएगा, ये एनर्जी नहीं आएगा, इंटेंसिव अकेला आएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या आएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या आएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अरे भाई साहब क्या चल रहा है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ये आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये वही सेकंड वाला पॉइंट है कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंटेड इन ये तीनों में, इट बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सर ये था आज के लिए, और ये वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका ये कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूं, जिससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, जिससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इतनी बात मान के चलिए, गारंटी है सर इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, काम की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल।
और मजेदार चीज है, ऐसा भी नहीं हल्के में ले रहे हो, अरे यार देख लेंगे सर कहां लगे हो तुम, अरे नहीं भाई बिल्कुल अच्छी चीज है। चलो क्लियर है यहां तक, चलो फटाफट लिखो, फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे और बात करते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, कर लिया, क्लियर है? चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं जल्दी। चलिए हो गया नोट डाउन। अब यहां पर एक पॉइंट और है, वैसे वो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ये तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव, एड नहीं कर सकते, बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। बात समझ रहे? एक जगह पे मान लीजिए ऐसा बात करते हैं, एक जगह का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, दूसरा टेम्परेचर था भैया, दूसरे रूम का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो दोनों के बीच की दीवार तोड़ दी, तो क्या दोनों का अब टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा क्या? नहीं होगा, इसीलिए इनको एडिटिव नहीं बोलते। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नॉन एडिटिव होती है, बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। क्या होती है सर? एडिटिव। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, काम की बात है, मजेदार बात है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? तो सर ये मेरे को आज आपको बताना था, तो ये चीज काम की है, पक्का? कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई भी दिक्कत हो तो बता दो, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर होंगी, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर होंगी। जल्दी नोट डाउन करेंगे, ये लास्ट वाला पॉइंट मैंने आप भी बताया, चलो जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो ये था इंटेंसिव और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बीच का काम, ये तो बताई दिया था। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंटेड, यही लिखना है इंपॉर्टेंट मेरे को यहां, ये सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, यही काम के दो पॉइंट सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर बच्चा स्किप कर देता है, लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है? चलो फिर पीछे देखो, ये हो गया, और उसके पीछे अपन ने ये देखा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर ये देखा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है? ठीक है, अब देखिए आज के लेक्चर में एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव समाप्त हो गया सर, बड़ा था, काम का था, अच्छे से पढ़ना, पेपर में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी और आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछेगा। अब कल क्या होगा? कल किसने देखा है? हमने देखा है सर, हम बता सकते हैं कल क्या होगा? कल क्या होगा हम बता देंगे। देखिए कल पढ़ेंगे अपन स्टेट फंक्शन, क्या पढ़ेंगे अपन? स्टेट फंक्शन। कल अपन पढ़ेंगे स्टेट वेरिएबल, कल अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस, क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये तीन चीजें अपन कल देखेंगे, कल के लेक्चर में, मजा आएगा सर, मजा आएगा सर। काम की चीजें, किसी को भी स्किप करने की कोशिश मत करना। जो आपके पास कल बेहतरीन लेक्चर गया था उस पर बातें थी सिस्टम के बारे में, सिस्टम, और आज जो लेक्चर आ रहा है उसमें एक्सक्लूसिवली एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, और जो चल रहा है मतलब उसी की बात कर रहा हूं, और जो कल आएगा धमाकेदार लेक्चर, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल और थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ये अपन देखेंगे कल। कल किसने देखा है? कल हमने देखा है, और क्या देखा है हमने? ये देखा है हमने, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन आगे की बात करते हैं और आज के लिए समाप्त करते हैं इसको, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का? चलिए सर अब समझिए बात को, अब बात को समझिएगा, बात समझने वाली है, बात कैसी है? समझने वाली है। क्या समझने वाली बात है सर? समझाओ जरा, हम भी तो देखें क्या समझने वाली बात है। ऐसे देखिए सर, थर्मोडायनामिक मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कैसा है सर? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सर इसमें ऐसे टर्म्स हैं जो आप भूल ज्यादा जाते हो, बार बार चीजों को आप भूलते हो, तो
तो सर इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अभी तो न्यूमेरिकल्स आए नहीं है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स भी, और आपको जानते हो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस तो अपन लपक के करवाते हैं। अरे ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको टेंशन होगी, फुल न्यूमेरिकल देंगे, एकदम भर भर के न्यूमेरिकल देंगे, आप टेंशन मत लो। न्यूमेरिकल में आपको एक भी कमी नहीं मिलेगी, ना थर्मोडायनामिक्स में कोई दिक्कत आएगी, ना उसके न्यूमेरिकल्स में आपको कोई दिक्कत आएगी। आपका काम बस ये है रोज नोट्स प्रॉपर बनाना, फिर प्रैक्टिस अच्छे से करना रोज, और तीसरा रेगुलर रिवाइज करना, ठीक है, और सबसे लास्ट रेगुलर वीडियोस को प्रॉपरली देखेंगे, रेगुलर वीडियोस को प्रॉपरली देखेंगे। अगर इतना काम आपने कर लिया आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी भैया, बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत फायदेमंद चीजें हैं आपके लिए, ऐसा ना हो कि आपको कभी दिक्कत हो इन सब चीज में, वैसे तो नहीं होने वाली है जो मैंने आपको अभी बता दिया है। जल्दी देख लीजिए एक बार, चलो 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 जल्दी जल्दी, चलो चलो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कंफर्म। चलिए तो सर देखते हैं आगे, आगे कुछ नहीं है, आगे समाप्ति है, आगे समाप्त है, जो कि हो चुका है समाप्त खत्म। सर जी तो मैंने आपको वही बोला है सर, पूरी जान लगाइए, जान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप लोग का कहना था थर्मोडायनामिक्स, तो मैंने भी कहा चलिए थर्मोडायनामिक्स, और जम के पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। मैं तैयार हूं, आप तैयार हैं, मैग्नेट बेंस आप लोग के लिए लगा हुआ है पूरा। मैग्नेट बेंस के दो चैनल हैं सर, एक इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, दोनों के बारे में आप जानते हैं। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई रोज मिलता है, क्लास 11 12 दोनों में पढ़ाने आता हूं, केमिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट्स भी है, हर स्ट्रीम प्रेजेंट है सर, जाइए देखिए मजा आ जाएगा। साथ ही साथ क्या है स्पोकन इंग्लिश, जी हां सीयूटी एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे कोर्सेस सब कुछ अवेलेबल है सर, सिर्फ आपको पढ़ने की देरी है, सिर्फ आपको पढ़ने की देरी है सर। सीबीएसई हिंदी मीडियम, जी बिल्कुल, अगर कोई आपका दोस्त है तो पकड़ लाइए, कहना भैया हिंदी मीडियम में भी सब कुछ अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब मजे में पढ़ेंगे, ले आओ। और सर अदर इंपॉर्टेंट बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स, एमपी बोर्ड्स, सारी चीजें मिलेंगी सर, और क्या चाहिए सर। ठीक है, हमने आपसे वादा किया था 70 आउट ऑफ 70 लाने का, लेके भी आएंगे तब जाके तो अपन फोटो चेंज कराएंगे। जी सर, जी बिल्कुल। और सर एक चीज और सर, आप पढ़ाते कंसेप्ट समझ में जाता है, कभी कभी नोट्स छूट जाते हैं, अगर नोट्स मिल जाते तो और मजा आ जाता। मैंने कहा वो भी है, वो भी है, यहां देखो, लेकिन ई नोट्स, क्या सर ई नोट्स जरूरी है, काम के हैं और जरूरी पढ़ेंगे भैया, आपको जरूरत पड़ेगी। ई बुक्स भी है अपने पास सर, इसमें सैंपल पेपर की प्रैक्टिस वगैरह हो सकती है आपकी सर। लेकिन मिलेंगे कैसे भैया, नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ग्रैब करिए, कहीं देर ना हो जाए सर। एक्सक्लूसिवली आपके लिए मैग्नेट बेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, सिर्फ मैग्नेट बेंस पे और कहीं पे नहीं। आप सारे लेक्चर्स सॉरी YT पे तो देखते ही हैं, YT पे सारे लेक्चर्स आप देखते हैं, बढ़िया प्लेलिस्ट के फॉर्म में, आनंद उठाते हैं, सारी चीज समझ में आती है। अगर आप चाहें तो मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पे भी जाके ये सारे लेक्चर्स का लुफ्त उठा सकते हैं कोई ब्रेक के बिना, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, वहां पे भी प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलेगा, सारी चीज एज इट इज सेम है, आपको बढ़िया मजा आएगा। ठीक है, तो आज का ये वाला सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक और जबरदस्त लेक्चर में। टॉपिक मैंने बता दिया क्या है कल के टॉपिक, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, क्लियर है। तो कल मजा आने वाला है, बस तैयार रहिए। कहां मिलेंगे, सेम समय पे, सेम जगह, किससे मिलना है मुझसे, और अपन चालू करने वाले कल का एक और बेहतरीन लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।